This is Dr. BKM Institutes and this is Dr. Bhupesh once again. And the time and the date today is 28th of September. So we are going ahead with the letter. And before we commence the letter, our contact number is +917 6967 34256. And thank you so much, guys, for actively giving us good feedback on our YouTube channels. The people who have not directly joined Dr. BKM Institutes, the people who are watching videos, we are thankful to each and everyone. If you have any doubts, you can always ask in the comment box. So today we have got another letter. Again, this letter basically tells the same things, that OET is a very easy exam, but you have to be careful. You just cannot be ignorant towards it. So if you become ignorant, it becomes a very difficult and a very tricky exam. If you take it just by your sensibility, you behave like a nurse, it becomes very easy. So this is one of the same letters, which is very easy, but has a bit of trick in it. So I'm just going to explain those tricks to you. Like, first of all, सबसे पहले यही पढ़ना है कि हम लेटर किसको लिख रहे हैं. हेलन वोकन है, डायरेक्टर ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया. तो अब हमें सबसे पहले अपने माइंड में ये फीड करना होता है, हम लेटर किसको लिख रहे हैं? मिस हेलन को. और लेटर क्यों लिख रहे हैं? हेलन कैच तो हमेशा बड़ा रहेगा, नाम कभी छोटा नहीं होता. और जब हमें ये नहीं पता मिसिज है या मिस है, तो हम एमएस लिख देते हैं. तो मिस हेलन को लेटर लिख रहे हैं. स्पेलिंग आई होप, हाँ, लेकिन ये सेकंड नेम लिखना होता है ओईटी में, तो हेलन की बजाय वॉकर लिख देते हैं. सो मिस वॉकर को लेटर लिख रहे हैं. और मिस वॉकर को लेटर लिखते हुए क्या है, ये डायरेक्टर है मैडम. और कहाँ के डायरेक्टर हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये बात समझ आई तो सब समझ आएगा. इस नाम को कभी नहीं भूलना. मैंने आपको कहा है ना, एड्रेस ओईटी में हमेशा याद रखना है, खासकर जब कम्युनिटी नर्स को लेटर है, सोशल वर्कर को लेटर है, डिस्ट्रिक्ट नर्स को लेटर है. एड्रेस में ये छुपा होता है कि वो उसी एरिया में आसपास रह रहे हैं. सो इट बिकम्स माइटी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एड्रेस क्या है. जैसे इस पर्टिकुलर लेटर में ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया, देखना कितना स्पेशल रोल प्ले करेगा इस लेटर में. तो डिस्चार्ज प्लान हमारा होता है पर्पस, लेकिन वही देखो, ओईटी में रट्टा नहीं मार सकते. अब हमें लग रहा है ये पर्पस है, लेकिन इसने इस लेटर में क्या चला किया है, जो सीखने की बात है ओईटी में, कि हम कभी भी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, लाइक दिस रिक्वायरमेंट. सो रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो पर्पस. यही तो पर्पस है जिसको हम लिख रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि हमें अब पेशेंट के लिए ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं. यानी जिसको मैं लेटर लिख रहा हूँ, अगर मैं उस वो मेरे से पूछ रहा है कि तू मुझे लेटर क्यों लिख रहा है, व्हाट इज द पर्पस, तो मैं कहूंगा सर पर्पस ये है कि मेरी रिक्वायरमेंट्स ये हैं. तो यानी रिक्वायरमेंट्स का मतलब ही पर्पस है. तो अब हमें समझना है ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया को. पेशेंट इज कंसर्न्ड अबाउट फर्दर फॉल्स. पेशेंट को दोबारा गिरने का डर है, फ्रैक्चर का डर है. ऑस्टियोपोरोसिस का उसके लाइफस्टाइल पे क्या फर्क आएगा, ये डर है. तो इसलिए पेशेंट को एजुकेशन चाहिए रिगार्डिंग कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. अब देखो प्लीज समझो, टॉपिक भी ऑस्टियोपोरोसिस है और हम लेटर भी किसको लिख रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया को. तो आप अपने आप रिलेट कर सकते हो कि मैं ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया, यानी एक सेंटर है जो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए फेमस है, मैं उसको कह रहा हूँ कि हमारा पेशेंट कंसर्न्ड है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है, वो कंसर्न्ड है फॉल्स के लिए, फ्रैक्चर्स के लिए, और उसको एजुकेशन चाहिए कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशंस, डाइट एंड एक्सरसाइज, मतलब उसको ये सारी चीजों के लिए काउंसलिंग चाहिए. तो पेशेंट हैज कमेंस्ड एक्सटर्नल थेरेपी, विल बी मॉनिटर्ड बाय द रूमेटोलॉजिस्ट. तो ये ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया काम नहीं है, यानी इस डाटा को नहीं लेना. ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया वाला जो रूमेटोलॉजिस्ट ने मॉनिटर करनी है मेडिकेशंस, तो हमें वो पर्पस में क्यों डालनी है? तो मतलब ऑस्टियोपोरोसिस का मेन जो लेटर लिखने का रीजन है, वो रिक्वायरमेंट्स में है इसमें, कि पेशेंट की कंसर्न्स हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, तो आपको पेशेंट को एजुकेशन देना है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, मेडिकेशन के बारे में, डाइट, ongoing physiotherapy arranged, इससे भी कोई मतलब नहीं है osteoporosis victoria को. लेकिन अगर आप बता भी देते हो सर हमने physiotherapy की arrange कर दिया है, Mrs. Walker को कह रहे हो कि हमने आपकी इसकी patient की physiotherapy arrange कर दी है, तो आप please stress मत लो. Patient to attend osteoporosis victoria counselor. Now this is trick. मैं osteoporosis victoria को ही letter लिख रहा हूँ और मुझे कहा है patient को attend करना है osteoporosis victoria, यानी same organization के counselor को. तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए यूअर काउंसलर, क्योंकि मैं ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया को लेटर लिख रहा हूँ. तो मैं कहूंगा पेशेंट नीड्स टू अटेंड यूअर काउंसलर एंड इट इज रिक्वेस्टेड टू यू टू अरेंज एन एजुकेशनल सेमिनार फॉर द पेशेंट. यानी कभी भी जिस भी बच्चे ने आज भी गलती से ये लिखा है कि पेशेंट नीड्स टू अटेंड ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया काउंसलर, तो वो गलत हो गया, क्योंकि पेशेंट नीड्स टू अटेंड यूअर काउंसलर, क्योंकि उसी को तो लेटर लिख रहे हैं. बस ये ट्रिक है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आप ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया के डायरेक्टर को लेटर लिख रहे हो और जान के दे रखा है यहाँ पे डिस्चार्ज प्लान में कि पेशेंट को अटेंड करना है ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया के काउंसलर को. तो पेशेंट नीड्स टू अटेंड यूअर काउंसलर,
एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड एन एजुकेशनल सेमिनार, और यहीं से उठाओ, उससे पहले वाले रिक्वायरमेंट से उठाओ कि यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड एजुकेशन रिगार्डिंग द कॉजेज ऑफ डायबिटीज, इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकेशन, डाइट। अब मेरे को फर्स्ट पैराग्राफ बनाना है, तो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ पर्पस में वैसे सॉल्व हो गया। आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिस्टर कैमरोन, मिसिस कैमरोन, सॉरी, आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिसिस कैमरोन। डायग्नोसिस क्या है? फ्रैक्चर हुआ था। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस वाली बात कहें, हाँ, डेक्सा स्कैन के बाद हमें पता लगा है कि बोन डेंसिटी बहुत कम है और अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस है, ये मेन बात है, और अब पेशेंट डिप्रेस्ड है ऑस्टियोपोरोसिस की डायग्नोसिस को लेकर। देखो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ कितना अच्छा बन गया, और मतलब कितने मार्क्स मिलेंगे ना, कितने अच्छे से। आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग दिस पेशेंट, पेशेंट का नाम लिखना है आपने, तो मिसिस जो भी है, मिसिस कैमरोन, सी कैपिटल, स्पेलिंग प्लीज ठीक कर लेना, फॉरगिव मी फॉर द स्पेलिंग, हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल, टू अवर हॉस्पिटल ड्यू टू फ्रैक्चर। अब इसको ज्यादा मत लिखो, बस ड्यू टू सिवियर फ्रैक्चर ऑफ राइट शोल्डर। अब ये मत बताओ क्यों हुआ, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही हमें पता फर्स्ट पैराग्राफ ज्यादा जा रहा है, ड्यू टू सिवियर फ्रैक्चर ऑफ राइट शोल्डर फुल स्टॉप। प्लीज फ्रैक्चर की स्पेलिंग ठीक कर लेना, फॉरगिव मी फॉर द स्पेलिंग दैट आई ऑलवेज से। तो मेन बात है मेरे को आपको ओईटी समझाना है क्या होता है। आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिसेस कैमरन हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल ड्यू टू सिवियर फ्रैक्चर। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो ठीक हो गया या नहीं हुआ, देखते हैं वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, पेशेंट ठीक हुआ या नहीं हुआ। रूटीन पोस्ट ऑपरेटिवली वुंड हील्ड हो गया, सूचर रिमूव कर दिया है, सो नाउ द पेशेंट इज, नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट पेशेंट इज बेटर, द पेशेंट इज बेटर। ठीक है जी, ये वाली बात भी हमारी पूरी होगी कि उसके बाद पेशेंट बेटर हो गया। ठीक है, आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिसेस कैमरन हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल ड्यू टू सिवियर फ्रैक्चर ऑफ राइट शोल्डर, नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट द पेशेंट इज बेटर बट ही बट शी हैज, अब ज्यादा मत बताओ, डेक्सा स्कैन, बट शी हैज रिसेंटली बीन, ये वर्ड यूज करने आने चाहिए आपको, यही तो पैसिव वॉइस है जो आपको पावर देंगे। ये पावर अगर आपके पास आ गई तो आपकी बात बन जाएगी, बट द पेशेंट इज बेटर बट शी हैज रिसेंटली बीन डायग्नोज, यानी हमारे द्वारा डायग्नोज की गई है, मतलब ये पैसिव वॉइस के मार्क्स होते हैं, मैंने आपको बताया ना प्रेजेंट में, बट शी हैज बीन रिसेंटली बीन डायग्नोज विद अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस and she is depressed. अगर depressed word शायद osteoporosis के कारण है, लेकिन ये तो है, concerned तो है, and she is concerned word use कर दो, जो नीचे 100% true point, मैं ये भी लिख सकता था, लेकिन ये नहीं पता ये osteoporosis के कारण है या नहीं है, मेरा topic main osteoporosis है, तो यहाँ पे ये दे रखा है, patient concerned है affect, so and she is concerned about effects of osteoporosis on her lifestyle. बिल्कुल सिंपल, इजी इजी लाइन ढूंढनी है, जो मन करे, अगर बाय चांस आपने ये भी लाइन लिखी है तो कोई बात नहीं, सो पेशेंट इज डिप्रेस्ड विच माइट बी ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोसिस, ये भी लिख सकते थे, सो मेरे को ये लगा कि ये लिख देता हूं, इफेक्ट ऑन हर लाइफस्टाइल, सो शी इज बीइंग रेफर्ड। अब देखो जिसको हम लेटर लिख रहे हैं वो विक्टोरिया ऑस्टियोपोरोसिस है, मतलब उनका काम ही ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट को संभालना है विक्टोरिया रीजन में, तो मतलब अब यहाँ पे उसको कितने अच्छे समझ आएगा ना, सो शी इज बीइंग रेफर्ड टू यू provide education regarding osteoporosis. अब देखो कितना आसान है यार, मतलब इसमें क्या ट्रिक है और क्या नहीं, nothing. I'm writing this letter regarding Mrs. Cameron who was admitted to our hospital due to severe fracture. Now after treatment the patient is better but she has recently been diagnosed with early osteoporosis. ऐसे यहाँ पे आप छोटा सा कनेक्टर लगाना चाहते हो, जिसके कारण से वो कंसर्न्ड है, तो थोड़ा बेटर कनेक्टर लगा सकता हूँ, ड्यू टू विच, जिसके कारण से, ड्यू टू विच जिसके कारण से, ड्यू टू विच शी इज कंसर्न्ड, ठीक है, या अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू विच शी इज कंसर्न्ड, अगर फिर इस लाइन की जरूरत नहीं पड़ती, ड्यू टू विच शी इज कंसर्न्ड, hence या so की जगह आप hence भी लगा सकते हो, या so ही रहने दो, तो s को कैपिटल कर दो। अब ये मेरा फाइनल पैराग्राफ बन गया, अगर कनेक्टर चेंज किया तो। आई एम राइटिंग दिस लेटर हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल ड्यू टू सिवियर फ्रैक्चर, आफ्टर ट्रीटमेंट द पेशेंट इज बेटर बट शी हैज रिसेंटली बीन डायग्नोज्ड विद अर्ली, ड्यू टू विच शी इज कंसर्न्ड, सो शी इज बीइंग रेफर्ड टू यू टू प्रोवाइड एजुकेशन रिगार्डिंग ऑस्टियोपोरोसिस, खत्म, दैट्स इट। अब देखो कितना आसान हो गया। अब उसके अलावा हमारी बातें बस सेकंड पैराग्राफ में, आप उसकी सोशल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, जो भी आप बताना चाहते हो, जैसे इस केस में
मिसेस कैमरॉन वॉज एडमिटेड, चाहे बाद में बता दो, वॉज एडमिटेड ऑन 10 अप्रैल ड्यू टू द सीवियर फ्रैक्चर ऑफ द राइट शोल्डर. सो एट दैट टाइम, उस टाइम पे, सो एट दैट टाइम डेक्सा स्कैन हिप एंड लंबर स्पाइन वॉज डन, इन विच बोन डेंसिटी वॉज सब्सटेंसली बोन डेंसिटी वॉज फाउंड. हमारे द्वारा पाई गई ना, बस जब हमारे द्वारा बात होती है पैसिव वॉइस, पास्ट में पैसिव वॉइस होता है वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट में होता हैज बीन. तो यहाँ पे मैंने आपको ये सिखाया था हैज रिसेंटली बीन डायग्नोज, बस ये दो सीख लो, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म और हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म. प्रेजेंट है तो हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म और पास्ट है तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म. ये प्लीज अच्छे से समझ लो, बस इसके अलावा कोई टेंस नहीं है. तो अब देखो यहाँ पे कैसे फिट होएगा, डेक्सस कैन एंड हिप एंड लंबर स्पाइन वॉज डन, या वर्ड वॉज डन, स्कैन वॉज डन, स्कैन के साथ सिंगुलर आएगा, तो ये भी हमारे द्वारा. इन विच, जिसमें, इन विच, जिसमें बोन डेंसिटी वॉज फाउंड सब्सटेंशली रिड्यूस्ड. अगर थोड़ा और अच्छा करना था तो यहाँ पे लिख सकते थे उससे पहले वॉज फाउंड टू बी सब्सटेंशली रिड्यूस्ड, ये और भी ज्यादा अच्छा हो जाता. इन विच बोन डेंसिटी वॉज फाउंड टू बी सब्सटेंशली रिड्यूस्ड, खत्म. ऑल्सो एज मेंशनड अर्लियर, मत लिखो बस, एज मेंशनड that the patient has also been found with, the patient was also found with early osteoporosis. अगर आप कहानी को ऐसे लिखना चाहते हो, और नहीं भी लिखते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपके मन के ऊपर है. लेकिन examiner को समझाने के लिए अगर मुझे ये line अच्छी लगती है तो मैं professionally लिख देता हूँ. As previously mentioned, the patient was already found with osteoporosis. So आप इस line को बाद में भी use कर सकते हो, अगर by chance इसको बाद में use करना है तो इसको हम बचा लेते हैं, फिर सीधा ये लिखते हैं during hospitalization, उसी paragraph में लिखते हैं in which bone was found to be subsequent, also she was found with early osteoporosis during hospitalization, there was routine postoperative wound heal हो गया. Please, हमारे द्वारा नहीं हील हुआ, अपने आप हील हो गया, बस यहाँ पे वोज नहीं लगाना होता, यहाँ पे होता है wound got healed. ये second important बात है इस letter से सीखने की. तो wound got healed जिसके कारण से सूचर रिमूव किए. अब कनेक्टर्स कैसे लगाते हैं, हर वुंड गोट हील्ड सो सूचर्स वर रिमूव्ड, ऐसे कनेक्टर लगते हैं तब मार्क्स मिलते हैं पूरे, जिसके कारण से. तो आपको ये लाइन सो के साथ कनेक्ट करनी चाहिए, तो सो बार बार आ रहा है तो हैंस लिख दो, देयरफॉर लिख दो हैंस. देखो अब हर वुंड गोट हील्ड हैंस सूचर्स वर रिमूव्ड, अब कितना अच्छा लगेगा कनेक्टर के साथ, किस कारण से सूचर रिमूव किए. आफ्टर दैट शी वॉज कमेंस्ड ऑन फिजियोथेरेपी बट द पेशेंट वॉज डिप्रेस्ड Which might be due to, देखो क्वेश्चन मार्क कहाँ पे दिया है, तो ये तो पक्का है, आपने लिखा होगा पेशेंट माइट बी डिप्रेस्ड, पेशेंट तो पक्का डिप्रेस्ड है, पेशेंट वॉज डिप्रेस्ड पक्का है, क्वेश्चन मार्क दिया है ऑस्टियोपोरोसिस की डायग्नोसिस का, विच माइट बी, यहाँ पे लगाओ माइट, विच माइट बी ड्यू टू डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसे लिखना होता है. आई होप इट्स ओके विद एवरीवन. प्लीज, पेशेंट वॉज डिप्रेस्ड, देखो पक्का है, जो हो सकता है डायग्नोसिस ऑफ डिस्ट्रोसिस. अब आराम से नेक्स्ट पैराग्राफ पे इजीली जंप होएगा. सो नाउ द पेशेंट इज बीइंग रेफर्ड टू यू, आराम से लास्ट पैराग्राफ देखो कितना इजी बनेगा. तो मतलब मेन पॉइंट्स इस लेटर में क्या है, एक तो ये सो का लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना चाहिए कनेक्टर लगाना. दूसरा मेन ये होता है, जरूरी नहीं है डिस्चार्ज प्लान ही हमारा पर्पस होगा, तो इस केस में सो द पेशेंट इज बीइंग रेफर्ड टू यू ना, सो Now the patient, हाँ ये while अगर sorry इसके बाद patient was referred due to diagnosis of osteoporosis, इसके साथ बाकी लाइनें भी आप कनेक्ट कर सकते हो, sorry बाकी लाइनें now लगा के कनेक्ट कर सकते हो. Now the patient is concerned about further falls, main paragraph यही है, about further falls and effect of osteoporosis on our lifetime. फिर so next paragraph यहाँ पे so लगा के कर सकते हो. So the patient needs education. अगर आपने ऊपर पैराग्राफ किसी और तरीके से बताया तो इतनी बड़ी वो नहीं होती कि आपने बहुत गलत किया है. मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने प्रॉब्लम सारी ऊपर कर दी कि पेशेंट डिप्रेस्ड है और उसको पेशेंट कंसर्नड है. अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ. सो द पेशेंट इज बीइंग रेफर्ड टू यू टू प्रोवाइड एजुकेशन रिगार्डिंग द कॉजेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, फिर फुल स्टॉप. अब बड़ा मत करो, फुल स्टॉप लगाओ. अलोंग विद दिस The patient should be taught about, वही जो हम डिस्चार्ज प्लान में करते हैं, should be taught about diet and exercise. आराम से लिखो बिल्कुल diet and exercise along with importance of medications. इतना आसान हो गया. So please इसको बार बार सुनना, छोटी सी रिकॉर्डिंग है आज, प्लीज बार बार सुनना, फिर उसके बाद और इजी हो जाता है. Also she will require education
बिल्कुल अगेन जो लास्ट पॉइंट है उसका कि उसको एजुकेशन चाहिए ऑल्सो शी विल रिक्वायर एजुकेशनल सेमिनार सेमिनार एंड शुड बी सीन बाय शुड बार बार आ रहा है एंड नीड्स टू बी सीन बाय योर काउंसलर एक्सपर्ट काउंसलर सो इट वुड बी ग्रेटली अगर लाइन अलग करनी है नहीं तो लास्ट में बस ऐसे लिख दो सो ऑल दीज सर्विसेज या ऑल दीज या फिर ऐसे कह दो सो योर एक्सपर्टीज वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड बस लास्ट लाइन ऐसे लिख के खत्म कर दे विल बी हाईली अप्रिशिएटेड बस उसके बाद लास्ट लाइन जो हम लिखते हैं अगला पैराग्राफ शुड यू रिक्वायर फॉर द इन्फॉर्मेशन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अब मैं पूरा लेटर बोल देता हूँ आपको अगर जरा सा भी डाउट है आई एम राइटिंग देखो कितना और अब ना क्वेश्चन पेपर भूल जाओ अब सोचो आप एग्जामिनर्स हो आप चेक कर रहे हो मेरे क्वेश्चन पेपर को अब सुनो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग विच सिर्फ आंसर सुनना आपको पढ़ने में कैसा लगा आंसर सुनने में कैसा लगा अगर आप एग्जामिनर होते आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिस कैमरून हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल ऑन 10th अप्रैल ड्यू टू सिवियर फ्रैक्चर ऑफ राइट शोल्डर नाउ आफ्टर ट्रीटमेंट शी इज बेटर बट शी हैज रिसेंटली बीन डायग्नोज विद अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू विच शी इज एक्सट्रीमली कंसर्न सो शी इज बीइंग रेफर्ड टू यू टू प्रोवाइड एजुकेशन रिगार्डिंग ऑस्टियोपोरोसिस सेकेंड पैराग्राफ on admission, a DEXA scan hip and lumbar spine was done in which bone density was found to be substantially reduced and also she was diagnosed with early osteoporosis during hospital also after that bas yahan pe simple after treatment word ko use karo to ye sab DEXA scan to pehle karwaya tha after treatment routine post operative recovery was there yeah post operative recovery was very fine Also, her wound, along with that, her wound got healed. So, the sutures were removed. Now, the patient is depressed, which might be due to the diagnosis of osteoporosis. And she is concerned about further falls and fractures and also the effect of osteoporosis on her lifestyle. Full stop. Now, the patient requires education regarding the causes of osteoporosis, importance of medications along with diet and exercise. Also, she needs to attend one of your counselors, expert counselors, and educational seminar should be arranged. So your expertise in this case would be highly appreciated. तो मैंने आराम से बता दिया फ्रैक्चर से आई थी ऑस्टियोपोरोसिस था डिप्रेस थी कंसर्न थी एजुकेशन चाहिए आपके काउंसलर को अटेंड करना है इसलिए आपके पास भेज रहे हैं बस किसी ने भी गलती से ये नहीं लिखना पेशेंट नीड्स टू अटेंड ऑस्टियोपोरोसिस विक्टोरिया काउंसलर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे सबसे बड़ा ब्लंडर हो सकता है ये आपको हमेशा याद करना पड़ेगा कि जिसको लेटर लिख रहे हो उसका नाम मेंशन नहीं करना यूअर लिखना है सो पेशेंट नीड्स टू अटेंड यूअर काउंसलर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सो दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट एंड अवर कॉन्टैक्ट नंबर इज +917696734256 एंड अश्योरिंग यू फॉर द बेस्ट ओईटी कोचिंग यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस थैंक यू सो मच